सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स चैप्टर में हमने पहले तीन क्वेश्चन मुकम्मल किए थे एक्सरसाइज 13.1 के। आज हम चौथा क्वेश्चन करने जा रहे हैं। अ पेन स्टैंड मेड ऑफ वुड इज इन द शेप ऑफ ए क्यूबॉइड विद फोर कोनिकल डिप्रेशंस। एक पेन स्टैंड जो हमारे पास होता है, इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ ए क्यूबॉइड, एक क्यूबॉइड है, लेकिन इसमें कुछ डिप्रेशंस है टू होल्ड द पेन। कितनी है? दैट दे आर द रेडियस ऑफ ईच ऑफ द डिप्रेशन इज विथ फोर कोनिकल डिप्रेशन। ये कोनिकल डिप्रेशन है चार, ताकि ये जो पेन स्टैंड होता है, अगर आपने देखा होगा वहाँ पे हमारे ऑफिस में भी जो पेन स्टैंड है, इट इज शेप्ड लाइक दिस। इसमें ये स्टैंड है कहाँ, किस में? पेन रखने के लिए, ताकि इसमें पेन। अब इसमें जो कोनिकल डिप्रेशन ये चार निकाली गई है, तो ये वॉल्यूम जो है ना, ये कम हो जाएगा टोटल वॉल्यूम में। डायमेंशन दी गई है क्यूबाइड की, दे आर 15 बाय 10 बाय 3.5। तो पहले हम देख लेंगे वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड, ठीक है ना, वो कितना होगा। दैट विल बी लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। लेंथ दी गई है 15 और ब्रेथ दी गई है 10 और साथ में हाइट दैट इज 3.5। तो अब देखिए 3.5 इंटू 10 हो गए 35, मीन्स 15 इंटू 35, 15 फाइव आर 75, 7 कैरी, 15 थ्री आर 45 प्लस 7 दैट इज 52, 525 क्यूबिक सेंटीमीटर्स विल बी देयर, किसका? क्यूबाइड का। अब हमें देखना है पेन स्टैंड का जो वॉल्यूम है वो कितना है। तो इसमें से वो कूनिकल डिप्रेशन जो हमने निकाली है उनका वॉल्यूम कम हो जाएगा। तो आप पहले ये जहन में रखना, ये हमें अलग से लिखना है 525 क्यूबिक सेंटीमीटर, ये हमें याद रखना। इसमें से हम फिर वो माइनस करेंगे। अब डायमेंशन जो डिप्रेशन की दी गई है, कूनिकल डिप्रेशन की, वो है रेडियस ऑफ कूनिकल डिप्रेशन, वो दिया गया है 0.5 मीनस 1/2 सेंटीमीटर, ठीक है ना। इसके साथ इसकी डेप्थ यानी यहां पे हाइट ऑफ कोन, हाइट ऑफ कोन एच से हम डिनोट करते हैं, दैट इज 1.4, यहां हम 14/10 लिखेंगे सेंटीमीटर, ठीक है। 1.4 इज इक्वल टू 14/10, ऐसे लिख सकते। तो अब देखना है कि वॉल्यूम ऑफ फोर कोनिकल डिप्रेशंस दैट विल बी इक्वल टू 4 इंटू, एक कोनिकल डिप्रेशन का होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है ना, हमने सीख लिया था 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो चार का कितना होगा? 4 1 4/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है ना। तो 4/3 तो अपनी जगह, पाई का वैल्यू 22/7, आर स्क्वायर का वैल्यू 1/2 इंटू 1/2 और एच का वैल्यू है 14/10। सिर्फ हमने वैल्यूज यहां पे ये दी, 4/3 पाई इंटू आर स्क्वायर मीन्स 1/2 इंटू 1/2, एच हाइट दैट इज 14/10 ना, हाइट यहाँ पे दी गई है 1.4 सेंटीमीटर, हम उसको डायरेक्टली लिख सकते हैं 14/10, ताकि यहाँ पे देखिए 7 2s are 14 और ये 14 कैंसिल किए हमने। इसी तरह से 2 1s are 2 11s are। अब देखिए यहाँ पे 11 into 4 दैट इज 44 डिवाइडेड बाय 10 into 3, नीचे सिर्फ 10 और 3 रह गए दैट इज 30, इतने क्यूबिक सेंटीमीटर्स होगा इन चार कोनिकल डिप्रेशंस का वॉल्यूम। यहां पे देख लेंगे 31 are 30, तो यहां पे 14 जो है ना, अब उसके बाद पॉइंट फिर जीरो, तो 34 are 120 मीन्स 1.4 आ जाएगा पहले,
अब 120 जब यहाँ पे आ गया, तो 140 में से 20 बाहर आ जाएंगे, ठीक है ना। तो इसका मतलब है 20 के साथ एक और जीरो, ये मुझे सिखाने की जरूरत नहीं है, ये डिवीजन है, आप खुद भी कर सकते हैं। तो 200 जब आया तो 36,180, तो फिर से 20 निकलेंगे, उसके बाद फिर 66 माइनस 1.46 हम लिखेंगे, या 1.47 भी लिख सकते हैं, क्योंकि इस पे बार आ जाएगा यहाँ पे क्यूबिक सेंटीमीटर, ठीक है ना। दिस इज द वॉल्यूम ऑफ 4 कोनिकल डिप्रेशन। अब हमें चाहिए क्या था, वी नीडेड टू फाइंड आउट द वॉल्यूम ऑफ द पेन स्टैंड, वॉल्यूम ऑफ पेन स्टैंड, वॉल्यूम ऑफ पेन स्टैंड, तो वो कितना होगा, वो होगा वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड माइनस वॉल्यूम ऑफ 4 कोनिकल डिप्रेशन। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड हमें मिला 525 क्यूबिक सेंटीमीटर्स, इसमें से हम निकालेंगे 1.46 क्यूबिक सेंटीमीटर्स, तो कितना रह जाएगा, 1.46 निकालेंगे 25 में से, तो 23.54 मीन्स 523.54 क्यूबिक सेंटीमीटर्स, या 53 भी लिख सकते हैं यहाँ पे, अगर इसको 47 कंसिडर करें। दिस विल बी द वॉल्यूम ऑफ द पेन स्टैंड दैट वी नीडेड टू फाइंड आउट। Thank you.